Mastiff. हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल पैक बडी केयर टू माय चैनल पैक बडी टेक केयर, सेम चैनल नेम। सो आज हम बात करने वाले हैं डॉग ब्रीड टिबेटन मैस्टीफ की। टिबेटन मैस्टीफ आप सबने यूट्यूब फेसबुक वीडियो सब जगह देखा होगा, बट मेरे पास कुछ टाइम पहले बोर्डिंग के लिए आया था, तो मैं उसी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये है हमारे सिम्बा, ये 10 मंथ का है, और आज ये हमारे सामने से जा रहा है, फैमिली आ रही है आज इसको लेने के लिए। और तो टिबेटन मैस्टिफ डॉग ब्रीड के बारे में जो जनरल थिंग्स हैं, जैसे ये 75 केजी तक चल जाता है मेल, 66 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट चली जाती है, फीमेल की थोड़ी कम रहती है, तो वो सब नॉर्मल है। बट हाँ, फैमिली के लिए अगर आपके पास जगह है अच्छी खासी है एंड आपको एक अच्छा कोई प्रोटेक्टिव गार्ड डॉग चाहिए जो फैमिली के लिए, तो बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, जैसे लैला, और अग्रेशन में वो पिटबुल से भी ज्यादा खतरनाक हो, तो आप टिबेटन मैस्टिफ को रख सकते हैं। बट लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब जगह जगह उनके और उनके खेलने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, हम बहुत खेलते हैं उनके साथ। बट ये दूसरे डॉग के साथ बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है अभी तक, तो थोड़ी बहुत अगर हम इसकी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं तो ये फ्रेंडली दूसरे डॉग के साथ हो सकता है, अभी टाइम भी है। तो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ कुछ 18 दिन का,
हमारा एक्सपीरियंस टिबेटन मैस्टिफ के साथ कैसा रहा? बहुत ही मजा आया। 18 दिन इसके साथ, मतलब कोई आता था ये कौन से ब्रीड है, उन्हें यकीन नहीं होता था टिबेटन मैस्टिफ भी दलिया एनसीआर में किसी के पास आ सकता है और वो किसी बोर्डिंग में रह भी सकता है। और ये रह भी है और इतना मस्त खेलता है हमारे साथ, क्या मतलब एकदम बच्चों की तरह। और इसको प्लेस एकदम, कोई अगर इंक्लूडर आ जाए बाहर कोई सड़क का कुत्ता आ जाए तो वो अंदर नहीं जा सकता उस टाइम पे भी। और ये जैसे अभी चिल्ला रहा है तो ये खेलने के लिए चिल्ला रहा है, भगता है बिल्कुल भी अननेसेसरी। जैसे दूसरे डॉग बाहर कैनल्स में आते हैं या बोर्डिंग में जाते हैं तो घर में घुस करके भगते हैं, वैसा इसके साथ कुछ नहीं था। बहुत ही मतलब समझदारी के साथ ये रहा। स्पेस चाहिए इसे घूमने के लिए, इसे काफ़ी मिली यहाँ पे स्पेस, अपना बढ़िया करके घूमता था। जो खाने से मिलता था उससे बहुत खुश था। सुबह शाम से भर के दलिया चिकन राइस की डाइट एकदम अच्छी हुई। इसका वेट भी थोड़ा यहाँ पे पुट ऑन हो गया, जैसे इसके पेरेंट्स जो इसकी फैमिली उन्होंने बताया कि वेट इसको थोड़ा बढ़ गया। बट लेकिन हाँ, जैसे 75 kg तक जा सकता है, 10 मंथ हो गया तो वेट अब इसका थोड़ा बढ़ेगा ही। इसके साथ ही साथ इसका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, अग्रेशन इसके मास नहीं है, इतना खेलने को ही करता है बस। बाकी डॉग्स के साथ दूसरे डॉग्स या दूसरे एनिमल्स अगर देखते हैं तो अग्रेशन आता है, वो तो ब्रीड ही मैस्टिफ है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। बट लेकिन घर के लिए अगर आप इसे देना चाहते हैं और आपके पास जगह है तो आप ये डॉग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा डॉग है। इसकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है, ग्रूमिंग कटिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है और इसकी डाइट का, थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है तो इसके बोन स्ट्रक्चर, इसके पैरों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पैर ना खराब हो जाए। एंड आगे चले जाएगा, इसका रिएक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जब ये जाते देखते हैं कि अपने फैमिली को ज़्यादा मिस कर रहा था या ये हमें मिस करेगा यहाँ से जाने के बाद। दोस्तों वीडियो के साथ में इसके रिएक्शन के बाद हम अपने क्लोजिंग करेंगे एंड आपके दूसरे डॉग ब्रीड के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो सिम्बा के परिवार से, फैमिली से सिम्बा को लेने आगे, सिम्बा सो रहा है दीदी, सिम्बा सिम्बा आगे हैं लेने, ठीक है। आ जाओ खोल दे गेट, एक मिनट खोलता हूँ।